आज भरतपुर के पसोपा में लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा साधु संन्यासियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कराना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदिबद्री और गंगाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यहाँ जो माइंस स्थापित हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये माइंस 2000 से 2018 के बीच में यानी पुरानी माइंस हैं और ये वैध माइंस हैं, जिनमें 11 माइंस कंकाचल में और 34 माइंस आदिबद्री में हैं। इसके अतिरिक्त इन माइंस को शिफ्ट करके जो लोग बेरोजगार होंगे, जैसे 2500 लोग अभी इसमें एम्प्लॉय हैं, उनको रोजगार दूसरी जगह मिलेगा। और साथ में सरकार ये मंशा रखती है कि इन जगहों को जो यहाँ के साधु संन्यासी हैं, जो धार्मिक पर्यटन का एक स्थल है, उसके रूप में इसको विकसित किया जाए। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी राज्य सरकार बनाएगी। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है, जिसमें यद्यपि 3 से 4 बार हमारी और इनकी संघर्ष समिति की वार्ता हुई और समस्त वार्ता में बाबा सभी सहमत थे, परंतु विजयदास जी एक बाबा हैं, उन्होंने स्वयं कहीं से आकर ये कर लिया और उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है, स्टेबल है, और वो उनको SMS में विशेष रूप से भर्ती कराया है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो।